पैसा कम हो या ज्यादा हो ये गोल नहीं होता, जरा सुनिएगा, पैसे का लालच ना हो गोल ही होता है। क्या बोला मैंने? सर आपके पास 15 अरब रुपया है या 15,000 रुपया है या 15 लाख है या 15 करोड़ है, मैं इस पे कोई आप पे हाथ नहीं लगा रहा। एक चीज जो मना है ना वो क्या है? लालच। अब होगा क्या? लालच करवाएगा क्यों मना है? क्वेश्चन ये, जब भी लालच आएगा तो जुल्म करोगे तुम, खत्म हो गए, तो आप गिर गए उसी वक्त। लालच आएगा आप जरब देना चाहोगे और मुमकिन है गला काटना चाहो, बंदे मारना चाहो, बढ़ाना चाहो। लालच मेरे ख्याल है शराब से ज्यादा अंधा करने वाली चीज लालच है। शराब में तो बंदा शायद किसी के गरीबान को पकड़ लेता है, उस लालच और हवस में बंदा भाई मार सकता है। तारीख में है कितने कितने भाई मारवा के बड़े बड़े बादशाह बने, बड़े बड़े तारीख के नाम है ऐसे, पूरा पूरा खानदान मरवा दिया, सबको इकट्ठा मरवा दिया, मर्डर करवा दिया सिर्फ अपनी बादशाहत के लिए। इतनी खौफनाक चीज है जी, क्या है जी? लालच। सो ये कितना होना चाहिए? ये इतना होना चाहिए कि मजीद की तमन्ना ना हो, जो है उस पर राजी हो, जो है अच्छा। फिर कितना होना चाहिए? कोर क्राइटेरिया बता रहा हूं, देते हुए तकलीफ ना हो, जब आप नहीं, फीलिंग, यहां फीलिंग की बात है सर, मैं उसकी कमी की तो बात ही नहीं कर रहा। आपको देते हुए अगर तकलीफ महसूस होती है ना, इसका मतलब है इस, ये आप में इस, ये पाया जाता है, हवस है इसकी। अच्छा, आपको अगर देते हुए आपके आने और जाने पे कोई अगर कोई खास फर्क नहीं पड़ता तो आपने टारगेट अचीव कर लिया लाइफ का। कोई दिल दुख किया नहीं दुख किया ये मैटर करता है तो बड़ी बात है, लेकिन पैसा कम हो गया या ज्यादा हो गया मैटर नहीं करता, आप खुशकिस्मत है। कितना होना चाहिए? आखिरी बात कह रहा हूं, छोड़ के जाना आसान हो। कितना? जिसको छोड़ के कफन पहन के कब्र में जाना बड़ा आसान हो। अगर इतना हो गया है कि छोड़ना मुश्किल हो गया है तो भाई ऐसे लाने थे पैसे पे जिसने मौत मुश्किल बना दी है। देखिए ना, बंदे ने मरना हो और बंदा कहे मैं लेके किन जाना, बंदा कहे यार मैंने तो जोड़ा, मैं अभी तो मैंने इसको एंजॉय नहीं किया, और ये फीलिंग उसके पास है तो वो कितनी खतरनाक चीज थी जिसपे मरते वक्त भी इंतहा की हसरत वाली फीलिंग नहीं, कलमा नहीं बंदा पढ़, बड़े बड़े कलमा ही नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? वो कहते जी वो 3 करोड़ 7 करोड़ 8, सच्ची वही वाकया कहीं डेथ बेड पे कहीं के मुंह से जरबे शुरू हो जाती है, 5 करोड़ 18 करोड़ 20 करोड़ ऐसे अरब, ऐसे 1.5 अरब। वो कहते कलमा, कहते छाड़ रह गया ली। यार उस वक्त जो हिसाब है यार, एक लम्हे के लिए सोचे इस कमरे में से एक सेकंड में हमें निकलना पड़ जाए, आप क्या उठाओगे? सबसे कीमती चीज ही उठाओगे ना। और जो समझ जाए कि यार मैं सब कुछ छोड़ के निकल सकता हूं, कितना खुशकिस्मत है। जो कि नहीं, है बैग भी सी है, बोरी भी सी है, सामान भी सी है, 2 कोठियां सन कार सी, वो गया ना। सर याद रखिए, मोमिन के लिए दुनिया इसीलिए कैद खाना है वो निकल सकता है, लेकिन ये तमन्ना के साथ लेके जाना है और जोड़ के जाना है और जरबे देके और जमा करके जाना है, याद रखिएगा बड़ी खतरनाक चीज है। ठीक है, अल्लाह से दुआ मांगे या बारी ताला हमें उतना अता फरमा के छोड़ना आसान हो, जिंदगी ऐसी अता फरमा के जिंदगी में से निकलना आसान हो, कहीं हम फंस ना जाए। रह जाने की तमन्ना अजाब है। क्या बोला? पक्का पक्का इस दुनिया में रह जाने की तमन्ना, अगर ऐसी चीज आ गई और पक्का पक्का रहने की तमन्ना पैदा हो गई है, इससे बड़ा अजाब जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। और आप हैं और आपने निकलना है, आपको पता है वो फितरती गम के अलावा जो उसको मैंने जायज कहा कि जी रिश्ते हैं सब कुछ ठीक है या हिसाब होना एक ये है, लेकिन अगर आपको है ये नाल किंज लेके जाना है, इससे बड़ी तकलीफ कोई नहीं है सर। सो याद रखिए, इस बाय प्रोडक्ट को बाय प्रोडक्ट रखें। मैं जितनी देर में ट्यूशन पढ़ा के कभी किसी जमाने में जो पैसे लेता था, ठीक है, उतने ही वक्त में ऐसा क्या हुआ कि मैं लाखों ले सकता हूं? आप सबके साथ भी ऐसे ही है, मेरे साथ नहीं है सिर्फ कहानी। 2 चीजों को बढ़ाना शुरू कीजिए, एक अपने फील्ड और अपने शोबे में इज्जतदारी, और नंबर 2 मैंने क्या बोला, कंपिटेंसी, काबिलियत।